और बताते चले कि दो चार दिन पूर्व ही हमने काजल और नंदनी के बारे में आप लोगों को खबर दिखाया था, जिसका खबर का असर ये रहा कि आज नंदनी और काजल की शादी है और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हमने मोबिलाइज किया था, लोगों को कहा था, उसके बाद लोगों ने गंभीरता से लिया और काफी लोगों ने मदद किया। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है काजल और नंदनी की ओर से और इस गरीब परिवार की ओर से, जगन्नाथ बीएनबी की ओर से ढेर सारा प्यार, हृदय से आभार आप लोगों का। यह प्यार बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि कहावत है ना कि बेटा भाग्य से होती है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है, तो ये लोग बेटियां सौभाग्य से हुई है, इन लोग का किस्मत में था, हम लोग उम्मीद जितना किए थे उससे ज्यादा आया और जितने लोगों ने मदद किया दोनों बेटियों को उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीएनबी चैनल की तरफ से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे समाजों का, बेटियां कम होती जा रही इस वजह से कि मेरा तिलक देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हम चैनल को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आज आप इतना बड़ा मुद्दा उठा के हमारा समाज को, आपने गरीब को शादी दो लड़के को, समाज को ये अगवा बन करके हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग हमारा समाज जिस जो दारू का सेवन करते हैं उसको बात है। जगन्नाथ जी कि आपने इस मुद्दे को उठाया, नंदनी और काजल निहायत गरीब बच्ची है, जो जिन जिन लोगों ने इनके कार्यक्रम शुभ विवाह के कार्यक्रम में सहयोग दिया, खासकर अरविंद जी, जालान जी और जिन जिन पूरी समाज के पतझड़ का डर किया, वो बसंत भी तो है, अपने कष्टों का कहीं अंत भी तो है, ये पतझड़ के समान इस परिवार में था और जरा सा जगन्नाथ जी ने जगा दिया तो आज हरियाली है, हरियाली नजर आ रही है, सारी बच्चियां, दोनों बच्चियां काफी खुश है। इसलिए हमारा नाम है सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो, जागो, जागो वो दीवानो, जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे, हमारा जगाने का प्रयास हमेशा रहता है। कहते हैं ताउम्र तुम दोनों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, आप देख पा रहे हैं नंदनी और काजल को, कहते हैं ताउम्र तुम दोनों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, बाबा भोलेनाथ करे ऐसे ही खुशी आप सबों को बार बार मिले, या बाबा अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना, हम रहे ना रहे काजल और नंदनी और इन सबको सलामत रखना जिन लोगों ने सहयोग किया है। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं, कहते हैं कि मानवता अभी जिंदा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर समाज सेवी और मदद करने वाले लोगों का जमवाड़ा हो चुका है। और बताते चले कि दो चार दिन पूर्व ही हमने काजल और नंदनी के बारे में आप लोगों को खबर दिखाया था, जिसका खबर का असर ये रहा कि आज नंदनी और काजल की शादी है और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शादी होने जा रहा है। अहम भूमिका, अहम योगदान जिले के रोहित जलान जी, अरविंद जी, यहाँ स्थानीय समाज सेवी मिथिलेश सिन्हा जी और तुरी समाज के गोविंद भैया जी यहाँ आए हुए हैं, तुरी समाज के साथी लोग भी आए हुए हैं, इन लोगों का भी अहम योगदान है। बताया जा रहा है कि 14,700 रुपया बीएनबी के माध्यम से जहाँ पर लोगों से मदद और सहयोग में मिला है, वहीं पर तुरी समाज के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। लगभग कितना सहयोग किया जा रहा है भैया आप लोग के द्वारा, कितना? 13,000 से 14,000 रुपए तुरी समाज के द्वारा भी मदद किया जा रहा है। देखिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मदद चाहिए था, लेकिन इस जब मदद के लिए हाथ बढ़े तो बिल्कुल लोगों को जोर दिखा और मानवता दिखी और मानवता आज कायम हो गया और लोग यहाँ पर मदद करने के लिए, आप देख पा रहे हैं इधर थोड़ा दिखा दीजिएगा, पैसे दोनों को बराबर बराबर कर दिया गया है। पहले काजल की शादी तय हुई थी, दोनों बहन है, आपस में चचेरी बहन, आप देख पा रहे हैं ये नंदनी की मम्मी है, ये नंदनी के पिताजी है और ये काजल है, थोड़ा काजल इधर दिखाओ, और ये काजल के पिताजी हैं जो पीछे दिख रहा है आपको, नरेश जी, काजल की माँ नहीं है। इसके लिए हमने मोबिलाइज किया था, लोगों को कहा था, उसके बाद लोगों ने गंभीरता से लिया और काफी लोगों ने मदद किया, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है काजल और नंदनी की ओर से और इस गरीब परिवार की ओर से, जगन्नाथ बीएनबी की ओर से ढेर सारा प्यार, हृदय से आभार आप लोगों का। यह प्यार रहे बरकरार। ये सामान जो आप देख पा रहे हैं, दोनों के सामानों का, दोनों का सामान अलग अलग कर दिया गया है, पैसे भी इन लोगों के लिए अलग अलग कर दिया गया है, मोड़ो पैसे भी अलग अलग कर दिया गया है। तो ये समाज वाले जी, आप लोग भी पैसे निकाल करके दे ही देते दोनों को अलग अलग, तो बड़ी बढ़िया रहता, ताकि लोगों को लोग देख भी लेते यहाँ प्रत्यक्ष रूप से, बाद में फिर लफड़ा नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये कार्य जो है आप लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है, आप लोगों के द्वारा यह कार्य संपन्न आज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, पैसे पूरी समाज के लोग गिन रहे हैं, समाज के लोग भी जाग गए हैं, स्थानीय समाज सेवी भी जाग गए हैं और जिनके पास मानवता इंसानियत है वो लोग भी यहाँ पर जाग गए। सन पापड़ी का पापड़ी माला जी, एक एक ग्राम है ना पापड़ी,
एकरम है। तो देखिए इस यहाँ पर सूचना देने के लिए माला जी ने सूचना दिया, किरण जी ने सूचना जब दिया कि ऐसे ऐसे गरीब है, थोड़ा मदद करवाइए इन लोगों का, तो हमने मदद के लिए लोगों को कहा और आज ये फलाफल यहाँ पर लोगों का मदद भी मिल रहा है और लोग यहाँ पर मदद भी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस मौके पर यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, समाज सेवी लोग जो आए हुए हैं, ये लोग भी आपस में बोले कैसा महसूस किया और कैसा अनुभव किया। हम इन लोगों से बात करेंगे और हम कह रहे हैं कि शुरुआत माला जी से किए थे तो माला जी से शुरुआत कर लेते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कैसा लग रहा है आज आपको, खुश है ना ये दोनों बेटी हुए ब्याह करके? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि कहावत है ना कि बेटा भाग्य से होती है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है, तो ये लोग बेटियां सौभाग्य से हुई है, इन लोग का किस्मत में था, हम लोग उम्मीद जितना किए थे उससे ज्यादा आया और जितने लोगों ने मदद किया दोनों बेटियों को उसको दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर इसी तरह हर कोई, हर समाज से भी जितने हैं, जितने लोगों ने मदद किया, हर कोई अगर पूरा समाज वाला समझ ले तो गरीब आपकी बेटियां कभी बोझ नहीं होती है गरीबों के लिए, उसके लिए सभी को लिए धन्यवाद। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। आप देख पा रहे हैं बोझ कहाँ से होगा, दो बेटी और इतने लोग यहाँ पर जमा हो गए। सूरी समाज के भाई जी आए, क्या नाम हुआ भैया आपका? कृष्णापुरी नाम है। कृष्णा जी कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ बी चैनल की तरफ से। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे समाजों का एक मुद्दा उठाए, हमारे बच्चों को निस्वार्थ भाव इनका शादी हो रहा है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस बच्ची के लिए सहयोग किया। सहयोग किया है, बिल्कुल कृष्णा जी सही बात है। भैया जी थोड़ा आप कहेंगे कुछ? बहुत ही बढ़िया है जो आज हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इस बच्ची के शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी तरह कोई भी गरीब व्यक्ति का शादी हो सिर्फ मिलजुल के अगर करे तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकता। बेटियां आज बेटियां कम होती जा रही इस वजह से कि मेरे तिलक देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, उस वजह से बेटी की संख्या कम। तो इस डर से कोई ना डरे, जैसे भी हो गरीब आदमी के बेटी की शादी सबको मिलजुल के करना है। तो देख पा रहे हैं कैसे बेटियों करना है शादी। ये घर देखिए आप, थोड़ा सा इधर आइए भैया, देखिए ये है काजल का घर, क्या स्थिति है। ऐसे बेटी अगर कोई आप लोगों के पास मदद के लिए जाए तो निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए क्योंकि यह निहायत नीडी और गरीब परिवार से थी। हम लोग बात करेंगे गोविंद भैया से, यहाँ पर गोविंद भैया भी आए हुए हैं जो तुरी समाज में अपने आप में एक पकड़ और पहचान रखते हैं। गोविंद भैया क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको हम चैनल को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज आप इतना बड़ा मुद्दा उठा के हमारा समाज को, आपने गरीब को शादी, दो लड़कियों को शादी करा रहे हैं। आज मेरे दिल से मेरा समाज अगर पूरे झारखंड में समझ जाए कि आज आने वाले समय में बेटी क्या चीज होता है, अगर वो जहाँ भी कमा रहे हैं दिल्ली, बम्बई, सूरत, मद्रास, वो जहाँ भी हमारा समाज जो भी काम कर रहे हैं वो अपना परिवार को बढ़िया से अगर देखेगा तो ये नौबत तुरी समाज को नहीं आने पड़ेगा। क्योंकि बाहर भी जा करके वो लोग ठीक से कमाता है लेकिन घर में ठीक से पैसा नहीं भेजता है, उधरे कहीं दारू पे उड़ा देता है, किसी काम में उड़ाते रहता है, फिर घर आने के बाद उसका परिवार क्या कर सकता है, परिवार को जो जिम्मा मिलेगा वही काम कर सकता है। लेकिन हम पूरे झारखंड अपने समाज को ये अगुआ बन करके हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग हमारा समाज जिस जो दारू का सेवन करते हैं उसको जरा कम करें, हमारा बेटी कभी ऐसा नौबत नहीं आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद आपको चैनल से, हम फिर पुनः धन्यवाद देते हैं जो हमारा समाज को इतना बड़ा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया आपको भी क्योंकि आपके समाज भी जागा है और आपके समाज के माध्यम से भी इनको मदद मिला है। इसी तरह ऐसे बेटियों को मदद मिलती रहे, हम भी चाहेंगे, हमारा चैनल भी चाहेगा। देहाबाद के समाज से भी मिथिलेश कुमार सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके द्वारा भी साड़ी, पेंसिल के कपड़े आदि दिए गए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी भैया बहुत खुशी की बात है जगन्नाथ जी कि आपने इस मुद्दे को उठाया। नंदनी और काजल निहायत गरीब बच्ची है, जो जिन जिन लोगों ने इनके कार्यक्रम, शुभ विवाह के कार्यक्रम में सहयोग दिया, खासकर अरविंद जी, जालान जी और जिन जिन तुरी समाज के गोविंद तुरी जी और अन्य लोग जो पहुंचे और अपने समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, हम चाहते हैं भविष्य में ऐसी गरीब बच्चियों के लिए हर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और जहां तक हो सहयोग करे। वो पतझड़ का डर क्या, वो बसंत भी तो है, अपने कष्टों का कहीं अंत भी तो है, ये पतझड़ के समान इस परिवार में था
और जरा सा जगन्नाथ जी ने जगा दिया तो आज हरियाली है, हरियाली नजर आ रही है। सारे बच्चियां, दोनों बच्चियां काफी खुश है। इसलिए हर लोग से हम मनाते हैं, समाज में जो भी लोग सक्षम है वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ बेटियों के शादी में जरूर सहयोग करें। और जगन्नाथ जी को विशेष धन्यवाद हम देते हैं जिसने इस मुद्दा को उछाला और समाज ने हाथों हाथ इसको लिया। आज दोनों गरीब कन्याएं, दोनों बच्चियां खुशी खुशी अपने ससुराल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बहुत अच्छा बात आपने बोला है। तो आप ये भी जान ही लीजिए कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो, जागो जागो वो दीवानो, जागो जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। हमारा जगाने का प्रयास हमेशा रहता है। हम लोग नंदिनी के पिताजी से बात करेंगे, इधर आइए। आपको इस सब मदद मिल चुका है नंदिनी का, आप खुश है कि नहीं है? हाँ भैया खुश। क्या नाम हुआ आपका? कौन तू? आपका परिवार कने गई? चलो तो आवे लो बार बार हमारे घर जा हलो की मदद की रहो। तो हो गए आज खुश हो? मुस्कुराओ कम से कम। खुश हो न? चलिए खुश है। लड़की की माँ जो नंदिनी की माँ है खुश है, पूरा परिवार आखिर खुश कैसे नहीं हो। यहाँ पैसा भी, सामान भी, सब कुछ इन लोग को सहयोग में मिल चुका है। नरेश क्या सब ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए यही वो बंदा है जो मेरे मंदिर पर पहुंचा था और मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। जब मदद ये मांगा तो बोले बिल्कुल मदद होगा, लेकिन यही बंदे ने जब मेरा पैर पकड़ करके रोने लगा तो हमारी आत्मा ने कहा कि इस धरती पर रहना है तो जगन्नाथ तुम्हें कुछ करना है। और हमने अपने आप को, इंसानियत को जगाया और आप लोगों को जगाया और जगाने का आज नतीजा ये फल मिला। नरेश जी कैसा लग रहा है? ठीक है सर। खुश है ना? कोई तरह दिक्कत नहीं ना बाबूतरा? ना दिक्कत। अब हो गए ना सब काम? हाँ सर। यार कोनो कुछ बात रह ले? पैसा भी, सामान भी, बेटी सब मिल गए यार, कहीं दिक्कत हो तो बोल, यहाँ ढेरी गोटा है पैसा वाला, पकड़ लो। सब है ना? सब ठीक है। सब ठीक है। तो देखिए भैया कहते हैं कि अमीरों से लो और गरीबों में बांटो, ये हमारी फितरत शुरू से रही है और अंतिम सांस तक रहेगी। अब हम लोग चलेंगे, काजल और नंदनी इधर आओ, काजल शर्मा रही है उधर। हम लोग पूछेंगे काजल और नंदनी से, दोनों दुल्हन ये है देखिए भैया, यही दोनों दुल्हन के लिए लगातार हम 3-4 दिन से परेशान है कि इनको खुश करके कैसे भेजें। कैसा काजल, कैसा लग रहा है? खुश है ना काजल? लजा नहीं रही, रो रही है, ये थोड़ा सा माँ की याद आ गई ना रे। चलिए सर, नहीं रोना नहीं, हम लोग है ना यहाँ पर, सब है बाबू, सब है, सब है बाबू, हम लोग है ना, तुम लोग माँ के बदले हम लोग सब यहाँ पर है, यहाँ सब है। क्या बाबू कैसा लग रहा है? खुश है ना तुम? खुश है? हाँ। जाने की विदाई के लिए रो रही है क्या तुम? खुश है ना रे? हाँ। देखो रो, तुम रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं, क्यों रो रही है तुम? कोई दिक्कत है बाबू? बोलो इधर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? क्यों रो रही है? माँ की याद आ रही है कि? माँ की याद आ रही है। देखिये यही बच्ची है जिनकी माँ नहीं है, तो कहते हैं माँ जिसकी नहीं रहती तो रोना तो आता ही है। तो ये काजल थोड़ा इधर देख लो बाबू, और बाकी सब ठीक है ना, खाली माँ के लिए रो रही है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी घड़ी में माँ नहीं होती है तो थोड़ा चिंता तो हो ही जाती है, चिंता सताती है। फिलहाल जो आप देख पा रहे थे, आगे भी इसी तरह आप लोग मदद करते रहे, बीएनबी का जो काम है वो करता रहेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। तो बने रहे आप सभी बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। काजल और नंदिनी के लिए एक बार जोरदार नारा लगा दीजिएगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान ने की, वीर बजरंग बली की, कृष्ण कन्हैया लाल ने की, काली मैया की, सचिदानंद भगवान ने की, काजल नंदिनी की, इनके सहयोगकर्ताओं की, सभी सहयोगकर्ताओं की, सभी जो जो सहयोग किए हैं सभी को हृदय से आभार, बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा प्यार। बने रहे बीएनबी के साथ और आप सबों का प्यार रहे बरकरार। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहे बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।